दरियाओं पे बांध लगे हैं, फोड़ते हैं सर चट्टानों से, बांधी लगती है ये जमीन, डरते हैं अब इंसानों से। अरे यार, सुनने में तो ये बहुत अच्छा लगा, मगर इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है हम इंसानों ने नदियों को बांध दिया है, चट्टानों को तोड़ रहे हैं और जमीन को भी अपना बंदी बना लिया है। अब पृथ्वी को इंसान की इस अमानव रूप से डर लगने लगा है। तुमने सही कहा। तो आज हम अपने कार्यक्रम में बात करते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। सुनते रहिए कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेके आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। मेरा नाम है गुलफिशा और मेरे साथ है सामिना। हम दोनों का आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा ना पानी। मुझसे है सांसों की तुझ में रवानी, मैं ना रहा तो रहेगा ना पानी। कार्यक्रम बच्चों की नज़र से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के द्वारा चलाया जाता है। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण पर। वायु प्रदूषण एक ऐसा प्रदूषण है जिसके कारण हर रोज मानव स्वास्थ्य खराब होता जा रहा है और पर्यावरण के ऊपर भी इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा है। ये प्रदूषण ओजोन की परत को पतला करने मुख्य भूमिका निभा रहा है, जिसकी वजह से जैसे ही आप घर के बाहर कदम रखेंगे तो आपको महसूस होगा कि हवा किस कदर प्रदूषित हो चुकी है। तो आइए बात करते हैं हमारे कुछ बाल साथियों से कि वह क्या समझते हैं वायु प्रदूषण के बारे में। मेरा नाम अंश है। ये जो कूड़ा होता है इन्हें हम जलाते हैं, और ये जो जमुना में जो ये कूड़ा फेंकते हैं उस वजह से पानी वो गंदा होता है। मेरा नाम आशु है, यमुना घाट सिटी सी से आया हूँ। जैसे कि काले प्रदूषण, जहाँ कोई चीज पन्नी वन्नी ये सब होती है जलने की वजह से और प्रदूषण फैलता है, इसी के लिए ये सब ना जला जाए। आस पास कोई भी गंदगी दिखे तो जो गाड़ी आती है उसके अंदर डाल दें। मेरा नाम करण है, मैं यमुना घाट से आया हूँ। जैसे कोई हवा में चीज उड़ती हुई होती है तो हमें सांस लेने की बहुत दिक्कत होती है। इस चीज़ों को ना जलाया करें और कृपया करके कहीं पे कूड़ा ना फेंके। अगर सुन लो जज़्ब लेना हम तो बम ये फट जाएगा, के बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा। अगर सुन लो जज़्ब लेना हम तो बम ये फट जाएगा, के बहती सी है नदियां का ये पानी रुक जाएगा। के कर दो रहम धरती का ये दम भी घुट जाएगा, के कुदरत की हनस नस में जहर ये बस जाएगा। प्लास्टिक के हम सब मोहताज हैं, कैसा ये समाज है। कसम ये खाए रे, प्लास्टिक टिक ना पाए रे। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रन। और आज हम अपने कार्यक्रम में बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण पर।
सांसों को भी मिलता नहीं शुद्ध हवा का झोंका, सोचो कौन कर रहा है किसके साथ धोखा। ये कविता सुनकर तो मन में सवालों का एक तूफान उठने लगा है। तो आइए हम बात करते हैं डॉक्टर प्रशांत भैया जी से, जो कि सेंट्रल एनवायरमेंटल साइंसेज सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ बिहार पटना में असिस्टेंट प्रोफेसर है। नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम बच्चों की नजर से में। धन्यवाद। प्रशांत भैया, आप हमारे श्रोताओं को बता सकते हैं कि वायु प्रदूषण क्या है? हमारे चारों तरफ जो हवा है उस हवा में बहुत सारी गैसें होती हैं और उन गैसों की मात्रा या उनके अनुपात में जब कोई गड़बड़ी आ जाती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा में अधिकता आ जाना या फिर धूल कण की मात्रा में अधिकता आ जाना, तो ऐसे स्थिति में हमारे स्वास्थ्य के ऊपर कुप्रभाव पड़ता है और इस स्थिति को हम वायु प्रदूषण कहते हैं, जो शहरों में आमतौर पर आजकल देखा जा रहा है। इसका कारण क्या है? वायु प्रदूषण के प्रमुख कारण तो कल कारखाने, हरियाली की कमी और इसके साथ साथ शहरों में जो इतनी गाड़ियां चलती हैं, ये सब मुख्य कारण हैं। परंतु आजकल देखा जाए तो और भी कुछ नए कारण इसके अंदर आ गए हैं, जैसे हमारे घरों से जो ठोस कचरा निकलता है उस कचरे को जलाना, या फिर हमारे शहर में जो बहुत तरह के कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहता है, उन कंस्ट्रक्शन के काम से उड़ने वाले धूल इत्यादि जो है वो सब इसके कारण के अंदर आते हैं। वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य में क्या प्रभाव पड़ता है? वायु प्रदूषण से हमारे स्वास्थ्य को बहुत खतरा है, खासकर के बच्चों के स्वास्थ्य को वायु प्रदूषण से बहुत खतरा है। वायु प्रदूषण की वजह से हमें सांस से संबंधी अनेक प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं, धूल कण इत्यादि के कारण हमारे सांस में जो एलर्जी होता है वो शुरू हो जाता है, सर्दी होना, बार बार जो है कंजेशन होना हमारे सांस की प्रक्रिया में, ये जो है एक शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम जिसको हम लोग कहते हैं वो होता है। लेकिन दूरगामी प्रभाव की अगर हम लोग बात करें, लंबे समय तक अगर कोई व्यक्ति प्रदूषित वातावरण में रह रहा हो तो ऐसे स्थिति में उसकी कार्य क्षमता घटती है और कैंसर जैसे बीमारी होने के भी खतरे जो है वो बढ़ जाते हैं। हवा में इतनी धूल मिट्टी क्यों बढ़ती जा रही है? धूल मिट्टी का विशेष अगर हम लोग बात करें तो वो जो शहरों में अनेक प्रकार की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज जो होती हैं, उन कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज से रेत पत्थर इत्यादि जो निकलते हैं वो हवा में जाते हैं और साथ ही वो चीजें सड़कों पर आती हैं। सड़कों पर आने के बाद वो गाड़ियों से बार बार जो है उनकी एक तरह समझ लें कि वो पिस जाते हैं और उसके बाद जो है वो धूल कण हवा में आते हैं। इसके साथ साथ गाड़ियों से जो धुआं निकलता है, उस गाड़ियों के धुएं में पार्टिकुलेट मैटर होते हैं। पार्टिकुलेट मैटर वैज्ञानिक रूप से अनेक प्रकार के होते हैं जिसमें हम उनके साइज के आधार पर जो है उनको वर्गीकृत करते हैं, जैसे पार्टिकुलेट मैटर 10 कहते हैं, पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं। तो गाड़ियों से, कंस्ट्रक्शन से, कल कारखानों से, इन सबसे पार्टिकुलेट मैटर जिसे हम बोलचाल की भाषा में धूल कण कहते हैं, ये सब हमारे वातावरण में वायुमंडल में आते हैं और यहाँ से हमारे स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव भी डालते हैं। अगर वायु प्रदूषण ऐसे ही बढ़ता गया तो हमारे भविष्य में क्या असर पड़ेगा? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। अगर वायु प्रदूषण ऐसा ही बढ़ता गया तो हमारी कार्य क्षमता, हमारा स्वास्थ्य, इस पे बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ेगा। जो हमारे देश का भविष्य है, जो बच्चे हैं, वो रोगग्रस्त रहेंगे। वायु प्रदूषण बढ़ने की वजह से हमारी जो चिकित्सा व्यवस्था है उसके ऊपर एक अतिरिक्त भार पड़ेगा और एक देश में जब ज्यादातर लोग बीमार हों, उनकी कार्य क्षमता जो है प्रभावित रहती हो, तो देश की प्रगति जो है इससे प्रभावित होती है। स्वस्थ जिस देश में स्वस्थ लोग रहेंगे उस देश का विकास जो है हमेशा उत्तरोत्तर होता रहेगा। इसलिए वायु प्रदूषण एक गंभीर समस्या है जो स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, बच्चों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है। वायु दूषित कम हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? देखिए, वायु प्रदूषण कम हो इसके लिए तो सबसे प्रमुख चीज है कि हम छोटे-छोटे परिवर्तन अपने जीवन में लाएं और उन छोटे परिवर्तनों में जो प्रमुख है वो ये कि हम कार पूलिंग करें, ज्यादा से ज्यादा बसेस, ट्रेन इत्यादि की जो है हम लोग इस्तेमाल करें और अपने चारों तरफ हरियाली बढ़ाएं। हरियाली बढ़ाना बहुत जरूरी है, हमारे चारों तरफ हरियाली की बहुत कमी हो गई है। जो कूड़े कचरे निकलते हैं घरों से उनको बिल्कुल ना जलाएं, कूड़े कचरे जलाना जो है इससे भी वायु प्रदूषण बहुत बढ़ता है और आम नागरिक इन चीजों को जो है इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसके साथ ऐसी परिस्थितियों में जब एकाएक से कोई ऐसी समस्या आ गई हो कि आपने देखा दिल्ली जैसे शहरों में जो है वायु प्रदूषण आजकल बढ़ रहा है और पास के जो राज्य है वहां पे पराली जलाई जाती है, खेतों में जो काम होता है उस काम के बाद जब फसल काट ली जाती है तो पराली जलाई जाती है, और जली हुई पराली जो है उससे जो धुआं निकलता है उससे जो शूट पार्टिकल्स निकलते हैं वो शहरों की तरफ रुख करते हैं और वो भी वायु प्रदूषण का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। तो प्रमुख रूप से तो ये है कि वायु प्रदूषण के जो बहुत सारे स्रोत हैं उन स्रोतों पे लगाम लगाने की जरूरत है, और दूसरा हरियाली बढ़ाने की जरूरत है। हरियाली बढ़ाने में बच्चों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है और बच्चे ऐसा काम करते भी आ रहे हैं। और इसके लिए सरकार क्या कर रही है? सरकार ने अपने स्तर से तो नियम बनाए हुए हैं। सबसे प्रमुख जो नियम है 1981 ईस्वी में पारित हुआ जिसे एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981 के नाम से जानते हैं, और इस नियम के आधार पर जो भी कल कारखाने हैं और जो गाड़ियां हैं उन सबको एक मानक एक स्टैंडर्ड है कि उनके कल कारखानों से गाड़ियों से जो धुआं निकल रहा है वो स्टैंडर्ड फॉलो करना है। ये नियम बने हुए हैं, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि इन मानकों का सही तरह से जो है इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है, सही तरह के तरीके से उसको लागू करना जो है वो नहीं हो पाता है। सरकार अपने तरफ से ये प्रयास कर रही है, लेकिन और प्रयास करने की आवश्यकता है। लोगों के का क्षमता वर्धन, लोगों के बीच में जानकारियां शेयर करना, ये सरकार का और एक काम कुछ इसमें होना चाहिए। आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं श्रोताओं से ये कहना चाहूंगा कि वायु प्रदूषण को कम करने के लिए आप अपने आसपास पेड़ लगाएं, अपने हर जन्मदिन पे कम से कम एक पेड़ लगाएं, क्योंकि जब तक हमारे आसपास हरियाली नहीं होगी तब तक वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा जो है नहीं बढ़ेगी। अनावश्यक कूड़े कचरे को जलाना जो है वो बंद करें, और प्रयास करें कि गाड़ियों का प्रयोग जो है वो कम करें, साइकिल का प्रयोग बढ़ाएं, कार पूलिंग को बढ़ाएं। जी धन्यवाद, आपने हमें इतनी सारी जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद अपने कार्यक्रम में मुझे बुलाने के लिए। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम बच्चों की नजर से, जो आप तक लेकर आया है बटरफ्लाइज ब्रॉडकास्टिंग चिल्ड्रंस। ये एक बच्चों का समूह है जो बटरफ्लाइज के संयोग से चलाया जाता है, और आज हम बात कर रहे हैं वायु प्रदूषण पर। जैसा कि आपने सुना, हमारे डॉक्टर प्रशांत भैया ने प्रदूषण के बारे में हमें इतनी महत्वपूर्ण और अच्छी जानकारी दी। दोस्तों, आपको पता है कि हमारी दिल्ली पहले ऐसी नहीं थी। दिल्ली के पड़ोसी राज्य और दिल्ली के निवासियों की वजह से दिल्ली की वायु इतनी दूषित हो गई है। अन्य प्रदूषणों की तुलना में वायु प्रदूषण का प्रभाव जल्दी पड़ता है। वायु में यदि जहरीली गैस घुली हो तो वह तुरंत ही अपना प्रभाव दिखाती है और आसपास के जीव जंतुओं एवं मनुष्यों की जान ले लेती है। एक तरफ जहां यातायात के ये नवीन साधन आगमन को सरल एवं सुगम बनाते हैं, वहीं दूसरी ओर ये पर्यावरण को प्रदूषित करने में अहम भूमिका निभाते हैं। नगरों में प्रयोग किए जाने वाले यातायात के साधनों में पेट्रोल और डीजल ईंधन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। पेट्रोल और डीजल के जलने से उत्पन्न धुआं वातावरण को दूषित करता है। तो दोस्तों, आप लोग वायु प्रदूषित ना करें, निजी गाड़ियों का प्रयोग कम करें, हो सके तो सरकारी गाड़ियों का प्रयोग करें, अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, पर्यावरण को हरा भरा रखें और अपने दिल्ली को भी वायु प्रदूषण से बचाएं। इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे विदा लेने का। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताएं। हमारा फोन नंबर है 9870168989। नंबर एक बार दोबारा सुन लें, 9870168989। इसी आशा के साथ हम आपसे विदा लेते हैं अगले सप्ताह वीरवार शाम 4:45 पे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अलविदा।